सदगुरु का कौन सा शब्द, कौन सी वाणी, स्वरवेद का कौन सा स्वर शिष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दे। बहुत निराला खेल है, कब किसको कौन सा छू जाए। सदगुरु का शब्द, वो वाणी, वो स्वरवेद का सिद्धांत, और उसके जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, वो आत्म कल्याण के पथ पर गतिमान हो जाए, इतनी स्थिरता हो जाए, जिज्ञासा बढ़ जाए, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाए, अनुभव के प्रति वह जिज्ञासु हो जाए। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। दो भेद है ब्रह्म विद्या के, एक बाह्य तत्व का ज्ञान है, एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। तो सिद्धांत में स्थिरता हो, वास्तविकता के साथ सबकी भूमियां हैं, साधकों की स्थितियां हैं, साधकों की श्रेणियां हैं, जो जहां है उससे उस साधक का विकास हो, जो जिस स्थिति में अंतःकरण वह आगे बढ़े, ये प्रयत्न होता है। इसलिए अनावश्यक किसी की आलोचना नहीं कर सकते, ज्ञान पूर्वक किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, किसी के अंदर हीन भावना नहीं भर सकते, सबको उत्साह, उमंग और प्रेम से, मैत्री करुणा के भाव से आगे बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि का ही यह पथ है। अनेक दोहे कई साधकों को बड़े प्रिय हैं, गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कई भजन बड़े प्रिय हैं। केवल बाहर की यात्रा नहीं, अंतर में स्थित करने के लिए है। केवल बाहर बाहर रह नहीं सकता, अगर उसमें आंतरिक स्थिति दृढ़ हो रही है तो दृढ़ हो रही है। केवल शाब्दिक प्रयोग नहीं, उसका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करता है साधक। लेकिन शाब्दिक प्रयोग भी है, उपयोग भी है, तो जैसे शुद्धि का पथ गतिमान है उसका, वाणी शुद्ध हो रही है। वाणी शुद्धि के लिए स्वरवेद का स्वाध्याय, वाणी का तप है। मन को नियंत्रित करने में ये सत्संग, ये सेवा भाव आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, तब साधना में स्थिरता होती है। आहार शुद्धि से लेकर विचार और भावों की शुद्धि तक इसका संबंध है। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व की शुद्धि होने से ध्रुवा स्मृति होती है, दृढ़ निश्चय बुद्धि होती है। कैसे? आहार के शुद्ध होने से, युक्त होने से, न कम न ज्यादा। साधक का आहार कैसा है? युक्त आहार है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता में योगीराज कहते हैं, आहार सात्विक हो, जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो सात्विक नहीं है। दूषित है, तो साधना में स्थिरता कैसी? काहे की साधना? एक ही काम करो आप, वो तो वही करो, नहीं तो ये करो।
या तो आहार अशुद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो वहां पुरुषों ने आहार शुद्धि पर विशेष बल दिया, क्योंकि सूक्ष्म भाग ही मन है उसका, उसी से बन रहा है वो, कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते। हित भूक, रित भूक, मित भूक कहा, जो सत्य के साथ हो, जो कल्याणकारी हो, नियंत्रित और संयमित हो, नहीं तो बुद्धि का जो निर्णय है बिल्कुल जैसे विपरीत हो जाता है, मन अनियंत्रित हो जाता है। महाभारत युद्ध संपन्न हो चुका है, भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हैं, भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हैं, युधिष्ठिर पहुंचते हैं, द्रौपदी इत्यादि पहुंचते हैं, पितामह से कुछ सीख लेने के लिए, कुछ ज्ञान वर्धन के लिए पितामह लेटे हैं, बाणों की सैया पर, मृत्यु सैया पर लेटे हैं युधिष्ठिर और द्रौपदी। पांडव पहुंचते हैं वहां, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पहुंचते हैं, युद्ध संपन्न हो गया है, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करना है उनको उत्तरायण होने पर। जो मृत्यु का ज्ञान रखता है वो अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करता है, जो मृत्यु का ज्ञान रखता है योगी वही है, योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, धर्म की बातें हो रही हैं, ज्ञान की बातें हो रही हैं, द्रौपदी बीच में टोक देती है भीष्म पितामह को, पितामह मैं आपसे कुछ पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, पूछो पुत्री पूछो, या आप जो धर्म के ज्ञान बता रहे हैं, जो सत्संग दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं आप, अभी बहुत अच्छी लग रही है बातें, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था, उस समय आपका धर्म कहाँ था, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण किया जा रहा था, अभी आप बैठकर यहां पर प्रवचन सुना रहे, धर्म और ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था, धर्म कहाँ था, तो भरी सभा में दुशासन अपमानित कर रहा था, चीर हरण कर रहा था, आपका धर्म और ज्ञान कहां था, आप तो बैठे थे वहां, मैंने आपसे भी प्रार्थना की थी, आपका धर्म ज्ञान कहां था जो आप अभी मृत्यु सैया पर लेटे हमें दे रहे हैं, उस समय कहां था। मौन हो जाते हैं भीष्म पितामह, पुत्री मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था पुत्री, ये जानते हुए, ये समझते हुए, ये अन्याय है, ये अधर्म है, मैं विरोध नहीं कर सका क्योंकि मैंने दूषित अन्न खाया है, खाया था दुर्योधन का,
अब अर्जुन के बाणों से इतने दिन से पड़ा हूं, देखो महाभारत युद्ध समाप्त हुए इतने दिन हो गए, अर्जुन ने इतने बाण चला है, अर्जुन ने इतना रक्त बहा है मेरा, जो दूषित अन्न का रक्त था वो सब रक्त बाहर चला गया है, तब मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, ऐसे नहीं दे रहा हूं पुत्री। उपदेश देने की स्थिति में अब हूं इसलिए कि अर्जुन ने तीर चला चला के देखो मेरा कितना रक्त निकाल दिया है, अब रक्त की शुद्धि हो गई, रक्त बाहर गया, दूषित अन्न का प्रभाव बाहर गया, तब मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, सत्संग धर्म और ज्ञान की बात बता रहा हूं। दूषित अन्न से मेरा जो मन मलिन हो गया था, बुद्धि में निर्णय की क्षमता न रही है, जानते हुए कि अन्याय अधर्म में विरोध नहीं कर सका, जब अन्याय अधर्म हो विरोध करने की शक्ति है तो विरोध करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए वहां पर तमाशा देखने के लिए, लड़ सके तो लड़ सके इतनी ताकत हो तो, कमजोर हो तो भाग जाओ वहां से, जो करना है वहां से चले जाओ, दूसरे को जिसको सूचना देना है दो, जिसको शक्तिशाली समझते हो। अन्याय अन्याय और अधर्म को देखते हो, देखते रहने के लिए है क्या वहां पर? विरोध करने की शक्ति हो तो विरोध करे, नहीं तो वहां बैठे नहीं, उस पाप में सहभागी ना बने, निकल भागे वहां से, जहां सत्संग हो वहां रहना है, यह संदेश है, जहां श्रेष्ठ संगति है वहां स्थित हो जाए। दूषित अन्न का कितना प्रभाव मन बुद्धि वाणी और विचारों पर है, राज तो मांसाहार हो रहा है, दूषित अन्न मतलब यहाँ तो बिल्कुल दूषित से क्या दूषित, बिल्कुल जैसे मांसाहार और जीव भक्षण ही है यहाँ तो। फिर कोई कहे उल्टा पुल्टा खाता पीता रहे और ये कहे कि मन नहीं नियंत्रित होता है, ये कहने का अधिकार उसको नहीं है, या तो साधना करे नहीं तो वो खाए, दोनों में एक करे, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट रखे, आहार शुद्धि का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण स्थान है। उसका प्रभाव मन पर, विचारों पर, वाणी पर, इंद्रियों पर पड़ता है। हमारे दांत इतने नुकीले नहीं हैं, जो मांसाहारी जीव हैं तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल हैं, वो प्रकृति के अनुकूल है उनका व्यवहार, तो मांसाहारी हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं। जो मांसाहारी हैं वो जल कैसे पीते हैं, वो जीभ निकाल कर चाट चाट कर जल पीते हैं, हम भी जल ऐसे पीते हैं क्या? अगर ऐसे जल पीते हो तो खूब मांस खाओ, जीभ निकाल कर चाट चाट कर हम जल पीते हैं, अगर ऐसा कोई पीता हो तो मांस भी खाओ। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, हम शाकाहारी हैं, ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि हम शाकाहारी हैं, कुत्ते की तरह पानी पीते हो तो खाओ, कुछ भी खाओ, बिल्कुल स्वतंत्र हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है ईश्वरीय। कि हम मांस भक्षण करें, हिंसा करें, हिंसा में सहभागी बन जाएं,
मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं कर सकते, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं कर सकते। यहां तो तीनों से देखो, तीनों से जैसे हिंसा हो रही हो, मन में भी, वाणी में भी और कर्म में भी, कर्म में भी। मनस्से कम वचस्से कम कर्मण्येकं महात्मना। जो मन वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित है, अहिंसा में प्रतिष्ठित है, वह योगी है। तो अहिंसक है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, वैर नहीं है, सबके भीतर उसी को देखता है, सबके भीतर उसी को देखता है, छोटे से छोटे जीव में उसी को देखता है। छोटे से छोटे जीव में उसी को देखता है, वो सब कुछ ही वह है। घृणा कैसे कर सकता है, हिंसा कैसे कर सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते, सब में उसी को देखता है तो घृणा कैसे करेगा। सब प्रभु के जीव हैं, सब प्रभु के जीव हैं, सृष्टि ईश्वर की है, सबको उतना अधिकार है जितना हमें है। दुर्बुद्धि ये कुबुद्धि ना हो, जो साधक का पथ है वह तो साधक का है ना, बाधक का नहीं है। वो बाधा नहीं है किसी के लिए, किसी जीव के लिए कोई बाधा नहीं है, वो साधक है। साधक मतलब कोई बाधा किसी के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल चकाचक प्रेम आनंद और शांति मैत्री करुणा के भाव में। तो शुद्ध आहार, सात्विक आहार, नियंत्रित और संयमित आहार हमारे साधना पथ को गतिमान रखता है। हमें आलस्य, प्रमाद और तंद्रा से दूर रखता है, हमें सहजता में स्थित करता है। हमारा शरीर अनुकूल रहता है, मन अनुकूल रहता है साधना के लिए, सत्संग के लिए। तो मन के नियंत्रण की विधि आहार से जैसे शुरू हो, जो ग्रहण कर रहे हैं वहां से शुरू है। आहार भी मन के नियंत्रण की विधि है, शब्दों का श्रवण श्रेष्ठ कल्याणकारी, शब्दों का श्रवण मन के नियंत्रण का ही मार्ग है। शुभ और पवित्र दर्शन, ये इंद्रिय ऐसी है, कर्ण इंद्रिय, जिससे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, हो जाता है। शब्द ब्रह्म है, ये पुष्प वाटिका है, दूषित मन, अंतःकरण, जीवन की सहायता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को जैसे नष्ट कर दे रहे हो। एक साधक इसीलिए अपने संकल्पों को बारंबार दृढ़ करता है,